क्या फायदा है ऐसे लोगों, ऐसी ऐसी पार्टियों का समर्थन करने का? मैं तो हमेशा कहता हूं, क्यों करती हो ऐसी पार्टियों का समर्थन? इसका कोई समर्थन अभी तक किसी ने नहीं किया। 306 के मुकदमे में इसको आरोपी बस इसमें मैं फिर से यही कहूंगा, लेकिन आज इस चीज का मुझे क्या परिणाम मिला है कि आज मैं अकेला, मैंने जिन लोगों के लिए छाती ठोक के जिनकी रैलियों में गया था, जिनका मैंने प्रचार किया था, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, ये सरकार होते हुए भी, बीजेपी के विधायक होते हुए भी, बीजेपी के जितने भी बड़े बड़े दिग्गज नेता, एग्जाम्पल में अगर देखना कहूँ तो श्रीमान नरेंद्र सिंह तोमर जी अभी नए सीएम बने हैं, इनको भी क्या मेरी वीडियो आपको तक नहीं पहुंच रही है? क्या मेरी आवाज आपको नहीं? जब आप राजीनामा करवा दिए तो इसका मतलब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म? क्या आपका फर्ज नहीं बनता है कि? लेकिन आज ऐसी नौबत आ चुकी है कि आज मुझे नाम लेने पड़ रहे हैं, ये कुछ चंद कुछ नेता तक सरला रहा। क्या मैं अकेला चुनने वाला हूं? नहीं, आप सभी हो, सबलगढ़ के जितने भी जनता। अब सरला रावत जी के मुंह में दही जम गई है क्या? अब बिजेंद्र रावत जी, क्या अब वो इस बात से वाकिफ नहीं है कि ये बंदा वाकई में हक बनता है आपसे कहने का? हक बनता है, मेरी पूरी मध्य प्रदेश की जनता का हक बनता है आप जैसे नेताओं पे उंगली उठाना, जब खास करके ऐसी बात हो, जब आप जैसे बड़े बड़े दिग्गज नेता चुप हो। फिर भी यही कह रहा हूं कि मैंने ऐसा कोई कृत्य नहीं किया है जिससे मैं शर्मिंदा रहूं, मैंने ऐसा कोई पाप नहीं किया है जिससे मैं चुप रहूं, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिससे मैं इन लोगों से, खास करके ऐसे पौगा छाप नेताओं से मैं चुप रहूं, मैंने ऐसा कोई कांड नहीं किया, मैंने ऐसा कोई कृत्य नहीं किया। ये लोग मुझे आके आतंकवादी बोल रहे हैं, राम मंदिर में जाके खुली चुनौतियां देते हैं, भरी मीडिया में आके मुझे आतंकवादी घोषित करते हैं। पहले विश्वास करता था अपने मामा जी पर, जो क्या पता वो विचारधारा आप लोगों की बदल गई हो, क्या पता आप लोगों को मेरी ही वीडियो ना दिखे। विधायक जी आप बताएं, आप हर चीज को शेयर कर रही हो कि आज मैं फलानी की शादी में गई थी, आज मैंने ये फोटो भी आप डाल देती हो, फलानी की शादी में गई थी, फलानी की मौत होगी तो आज मैंने उसमें कह रहा हूं कि मुझे कुछ तकलीफ है, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं विरोधी हो गया हूं, नहीं, आज कोई सौरभ सिकरवार, क्या ये राजनीति नहीं है? और कैसी होती है राजनीति, और कैसे होते हैं राजनेता? जवाब दें मुझे कि मैं परेशान हो रहा हूं, वो भी आप लोगों की सत्ता में होते हो। नरेंद्र सिंह तोमर जी, आप खुद अपने आप में वो चीज हो यार कि अगर आप एक उंगली अगर इस तरफ कर दो